दोस्त, इस चेसर को बनाने के लिए जो चाइना की ब्लिंकिंग झालर आती है उसमें से इस बोर्ड को निकाल लेंगे। वैसे तो ये बोर्ड 0.8 एम्पियर तक ही लूडो आप इस पे चला सकते हैं। इस पे देख सकते हैं 2 चैनल का है ये, और इसमें हम यूज करेंगे BT136 स्विचिंग आईसी होती है ये वाली। और इसमें हम जो 100 के रेजिस्टेंस का प्रयोग करेंगे, और हम इस प्लाई के बोर्ड में इस पे हमने ये पत्ती लगा दी है और स्टैंड भी लगा दिए हैं, और इस पत्ती में जो कनेक्शन होंगे वो। तो चलिए इस प्रोजेक्ट को बनाते हैं। तो सबसे पहले हम इस बोर्ड में सोल्डरिंग कर देते हैं इसकी पिनों पर। ये दो पहले जो इसमें जो आईसी लगी है PCR406 चैनल जो सिग्नल लग की आईसी है उस पर हम 100 की रेजिस्टेंस दोनों पे लगा देंगे, और एक जो इधर वाली जो पिन है वो कॉमन है। जो हमारी जो आईसी है BT136 उसकी लेगों को फोल्ड कर लेंगे जिससे थोड़ा इसमें गैप आ जाए। दोनों आईसी को ही फोल्ड कर लेंगे और इसे हम ग्लू गन से दोनों आईसी को यहाँ पर चिपका देंगे। मैं इस प्रोजेक्ट को ओनली ट्राई कर रहा हूँ तो इस वजह से आप इन पर हीट सिंक लगाकर इसको चिपकाएं जिससे ये लॉन्ग समय तक आराम से वर्क करें। तो इनकी जो लेगें हैं उन पर हम सोल्डरिंग कर देंगे दोनों ट्रांजिस्टर पर। अब जो हमने 100 की रेजिस्टेंस लगाई है उसमें जो आईसी की जो साइड वाली लेगें हैं दोनों उन पर हम जो 100 की रेजिस्टेंस है उसे हम सोल्डरिंग कर देंगे दोनों आईसी की। और इसके बाद फिर जो इसमें जो बीच वाली की जो साइड वाली लेग है और दोनों आईसी की में एक तारे के टुकड़े को आप उसमें कनेक्ट कर देंगे। ये वाली जो आईसी है इसमें लाइन इन रहेगी तो इन दोनों आईसी में जो एक वायर को और जोड़ लेंगे। जो ये वाला जो वायर है ब्लू कलर इसे हम जो हमारी जो दोनों आईसी की हमने सिग्नल वाले पे लगाया था अब इसमें हम जो कॉमन है उस पर हम इसे जोड़ देंगे। और फिर जो हमारे इस ये कनेक्शन है वो हो गए। अब इस आईसी में तो जो हमें सिग्नल आउटपुट होगा उसे हम जो बीच वाली जो लेग बची है उस पर हम 2 तारों को जोड़ लेंगे। यहाँ से हमें लोड चलाने के लिए चैनल मिलेंगे 2, तो इनको हम इस जो पत्ती आती है कनेक्टिंग केबल के लिए उस पर हम इसे इन दोनों तारों को कस देंगे। 2 चैनल का ये चेसर होगा हमारा। अगर आप इसे बड़ा बनाना चाहते हैं तो जो हमने यहाँ पर जो आईसी जो ये कनेक्टर लगाया है उसे हम बोर्ड को 4 आईसी में आता है 3 आईसी में भी आता है उसे हम बड़ा लेंगे। तो मेरे पास अभी 2 आईसी का था तो मैंने ये लिया है। तो अब इसमें जो बोर्ड में लाइन इन रहेगी उन उनमें हम 2 वायर जोड़ लेंगे। तो इन दोनों वायरों के साथ एक हम रेड कलर का वायर और जोड़ लेंगे। ये हमारे जो आउटपुट में हम जो लोड चलाएंगे ये वाला कॉमन रहेगा। तो ये वाला जो कॉमन वायर है हमें उधर इधर की साइड लगाना है। जो हमने अभी ब्लू कलर का जो कॉमन लगाया है उधर की साइड नहीं उसके अपोजिट लगाना है। तो हमारा जो ये वाला जो वायर है उन्हें हम एक साइड जो पत्ती लगी है उसमें हम कस देंगे, और जो अभी मैंने हम रेड कलर का जो वायर लगाया है उसे हमने ये एक कॉमन पिन बची है जो आउटपुट में लोड चलाएंगे वो यहाँ पर कॉमन लगेगा, और वो दोनों जो पत्ती हैं उन पर हमारा चैनल रहेंगे। तो यहाँ पर इस वायर को भी यहाँ पर जोड़ देंगे। तो ये हमारे कनेक्शन हो चुके हैं। तो मैं नज़दीक से आपको इनको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आप देखिए जो हमारा कॉमन वायर था वो रेड कलर का बीच में है, तो उसके बाद चैनल और ब्लू कलर का जो वायर है वो हमारी जो आईसी लगी है, और ये दोनों 100 की रेजिस्टेंस के साथ आईसी से जुड़ा हुआ है। नज़दीक से आप देख सकते हैं। और जो ब्लू कलर का वायर और ग्रे कलर का वायर है वो हमारा कॉमन रहेगा। तो यहाँ से हमें जो लाइन इन आ रही है वहाँ से हमें इसमें आईसी में लाइन इन देनी होगी,
और जो लाइन हम आउटपुट लेंगे वो बीच वाली लेग होगी। तो इसे हम एक डिब्बी में आती है उसी डिब्बी में से हम बंद कर देंगे, ग्लू गन से हम इसको चिपका लेंगे। आप इस पे वैसे ये 0.8 एम्पियर की आती है, अब इस पे आप आराम से 6 एम्पियर तक का लोड चला सकते हैं। तो हम इसके जो आउटपुट में जो है, सबसे पहले में जिसके आउटपुट पे हम 100 वाट के दो वो बल्ब को हम जलाएंगे, 100 वाट के बल्ब हैं। तो जो कॉमन वाला जो पिन है उसमें हम दोनों बल्ब के एक एक वायर को आपस में जोड़ के कनेक्ट कर देंगे। फिर हम चैनल के हिसाब से पहले वाला जो चैनल है उसमें हम पहले 100 वाट के बल्ब को जोड़ेंगे और दूसरे चैनल में जो दूसरा 100 वाट का बल्ब है उसे हम जोड़ेंगे। तो ये भी कनेक्शन हमारे हो चुके हैं। तो फाइनली अब इसकी हम टेस्टिंग करके देखते हैं। तो इसकी टेस्टिंग, तो हम इसे 220 एसी वोल्ट पे लगाते हैं। और दोस्तों आप देख सकते हैं जो हमारा चेसर है वो आराम से इन 100 वोल्ट के बल्ब को पूरा एकदम बढ़िया तरीके से ग्लो कर रहा है। तो आप इस डिवाइस को आराम से बनाकर देख सकते हैं, कोई भी फेक वीडियो नहीं है। अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, उस डाउट को आपका क्लियर किया जाएगा। और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में इस बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। देख सकते हैं आप जो हमारा चेसर है वो इन बल्ब को बढ़िया तरीके से ग्लो करा रहा है। और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखते रहिए हमारे चैनल पर। तो अब जो हमारा जो चेसर है वो 1000 वाट का पर चैनल हो गया है। आप इस पर एक चैनल पर 1000 वाट तक का लोड चला सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।